नमस्कार। आज की जो हमारी कहानी है वो आती है महाभारत की किताब से। ये ये कहानी कहानी है है अगासुर की। अगासुर की। राजा कंस एक आकाशवाणी की वजह से अपने भतीजे कृष्ण की जान लेने पर तुला था। उसके सारे प्रयास विफल हो चुके थे। जब पूतना और बकासुर जैसे महान दैत्य भी कृष्ण को नहीं मार पाए, तो कंस अपने सबसे पावरफुल सेनापति अगासुर के पास गया। अगासुर, जो बकासुर का भाई था, वो कंस के आदेश पर कृष्ण को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। उसके लिए ये अपने भाई बकासुर की मौत का बदला लेने के लिए भी एक मौका था। अगासुर ने एक 8 किलोमीटर लंबे अजगर का रूप धारण किया और वो उस जंगल में एक पर्वत के पास जाकर छुप गया जहाँ कृष्णा और उसके दोस्त खेलने आते थे। अपना बहुत बड़ा मुंह खोल कर वो उस पर्वत के बाजू में ऐसा लगता था जैसे एक गुफा का मुंह हो। जब कृष्णा और उसके दोस्त उस जंगल में खेलने आए, तो उन्होंने अगासुर के मुंह को एक गुफा समझकर उसके अंदर प्रवेश किया। ना खेलते ये बच्चे बहुत गहराई तक अगासुर के पेट में चले गए। अगासुर ने तुरंत अपना मुंह बंद किया और कृष्णा और उसके दोस्तों को अंदर कैद कर लिया। धीरे धीरे जैसे ही अगासुर के पेट में हवा की कमी हुई, तो कृष्णा के दोस्त मूर्छित होने लगे। कृष्णा तुरंत समझ गया कि ये उनको कैद करने का कंस का एक प्रयास है। कृष्णा ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को चारों तरफ फैलाना स्टार्ट किया। एक गुब्बारे की तरह फूलते हुए कृष्णा इतना बड़ा हो गया कि वो अगासुर के पूरे पेट को उसने कवर कर लिया। पर कृष्णा जितना बड़ा होता, अगासुर उतना ही अपना पेट फैलाता। और अंत में कृष्णा ने अपने साइज को इतना बड़ा किया कि अगासुर का पूरा पेट उससे कवर हो गया। और अब हवा की कमी की वजह से अगासुर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अगासुर ने कृष्णा और उसके दोस्तों को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश की, पर कृष्णा पूरी तरह से उसके पेट में चिपक गया। अंत में सांस न लेने की वजह से अगासुर का दम घुटा और हवा की कमी की वजह से उसकी आंखें उसके सिर से बाहर निकल कर जमीन पर गिर गई और अगासुर का उसी समय अंत हो गया। कृष्णा और उसके दोस्त अगासुर के सिर में छेद कर वहां से बाहर आए और खुले आसमान में आकर सांस ली और अंत में अपने गांव पहुंचे। अगासुर की यह कहानी हमें एक सबक देती है कि हमारे जीवन में परेशानियां और मुश्किलें जब भी आती हैं, हमें अपना कद उन परेशानियों और मुश्किलों से बड़ा करना चाहिए और हमेशा ये देखना चाहिए कि उन परेशानियों और समस्याओं का हल भी उसी परेशानी और समस्या के अंदर है। कृष्णा ने जिस तरह से अगासुर की नीति को उसके ही खिलाफ यूज किया, ऐसे ही हम भी अपनी समस्याओं के अंदर लूप होल ढूंढ कर उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी इस कहानी से सबक लिया जा सकता है। अगासुर को आप एक तरह का इन्फ्लेशन समझिए, और इन्फ्लेशन जो हर कंपनी के प्रॉफिट और अकाउंट बुक्स पर प्रेशर डालता है, उसको सफोकेट करता है। ऐसी कंपनीज को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन से बड़ा होना पड़ता है। नए नए तरीकों से अपने आप को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं पर बहुत सारे उत्तम नई दिशाओं को ढूंढकर कंपनी को चारों तरफ फैलना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन से आगे रह सके और जो सफोकेशन और जो प्रेशर उनकी प्रॉफिट बुक्स पे है वो कम हो सके। आज के लिए इतना ही, और हमारा पिछला एपिसोड देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारे अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन जानने के लिए। तब तक के लिए मैं संदीप वर्मा, कोबाल्ट ब्लू फाउंडेशन से आप सबके सुख, शांति और उन्नति की मनोकामना करता हूँ। नमस्कार।